आउट, नौ नौ। सौ अब ये एंगल आई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी है रे किधर भी बेंड होगा यार, ये जो कैसा भी बेंड होगा बता देना। आर स्टेंस लॉ का इक्वेशन बताओ, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू थ्री। इनटू साइन आई रूट हाँ, टू साइन आई इक्वल टू फाइव रूट टू फाइव साइन बाय टू टू इनटू फाइव बाय नाइन। टू। यस अब आई के लिए, आई के लिए ये वाला वेक्टर कैसे लिखा है? देखो आई के लिए दोनों नेगेटिव है यार, एक्स ये वाला हो गया वन ये टू आई। टैन आई कितना हो जाएगा? अरे टैन आई ये कितना, टैन आई क्यों निकालते हैं यार, ये रूट फाइव। साइन आई चाहिए, साइन आई कितना आएगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, साइन आई वन वन बाय रूट फाइव। ये क्या क्या, हाँ इसे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53। अब निकालना क्या है? नेट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड है। ओ यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड, तो ये तो वन ले लो, ये एंगल 53, तो आर कैप विल बी माइनस वन साइन 53 आई कैप माइनस वन। ये क्या लिखा यार, ये कौन सा है, वन साइन 53 एक्स में और ये वाला वन कॉस 53 जे कैप। ठीक है क्या? सर वो आपने एक बार डायग्राम कैसे बना वो री वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार हाँ देखो ये सर, वो दोनों, ये नॉर्मल से एक्सप्लेन करो ना। रुको अभी, हाँ अब देखो ये दोनों, पहले तो एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन का नॉर्मल तो वाई एक्सिस होगा। वो प्लेन में कहीं भी कर रहा है ना वो, मतलब इंसिडेंट। करेक्ट हाँ, तो देखो ना इसमें जो है, एक मिनट जैसे आपका ये ऐसा बनाते हो ना, तो मान लो ये बाउंड्री आपका, ठीक है। अब जो है इसको, इसको अगर मान लो एक्स और ये जेड बोलते हो है ना, यस सर, ये वाला वाई हो जाएगा ना, यस सर, यस सर। तो अब जो है ये वाई हो गया, एक्स क्रॉस आर ई क्रॉस ये इसको जेड बोलते हैं, ये वाई एक्स हो गया, ठीक है ना ऐसा। अब जो है इसके ऊपर ये वाई इक्वल टू जीरो है ना, इधर से ऊपर ये वाई ग्रेटर देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो है। यस सर। अब इस साइड से कोई बंदा देख रहा है, इस साइड से फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू उसका ये आ जाएगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ये तो प्लेन की तरह दिखेगा ना एग्जैक्टली। यस सर, तो मतलब वो ओरिजिन पे स्ट्राइक कर रहा है। नहीं हम तो, अरे ओरिजिन तो हमारे चॉइस है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं हम उसको ओरिजिन लेंगे। ओके ओके ठीक है, उसको मैंने ओरिजिन ले लिया। अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ठीक है बस सर, उसके उसके आगे समझ गया सर। हाँ सर, वो सिर्फ वो नॉर्मल में कंफ्यूजन हुआ था। ये अंडरस्टूड। हाँ और कौन सा डाउट है? टेंथ वाला भी डाउट था। क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या प्लीज एक्सप्लेन सर। 10 वाला डाउट है, उसमें मुझे आंसर बी आ रहा है और आपने क्या ना इरेज दिस वन। वेट सेकंड, वेट सेकंड, वेट सेकंड, एक मैं इसको इरेज कर दूं। इसको इरेज कर दूं। यस सर। ठीक है हां, कौन सा क्वेश्चन एक बार बता दो, क्वेश्चन बताना। 10th वाला क्या था? 10th 9 डिक्टेट करो। ग्लास स्लैब दिया है, हाँ एक्स वाई प्लेन में एक ग्लास स्लैब दिया है। ओके उसके बाद फिर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। यस ओके हाँ, और फिर रिफ्रैक्टिंग इज वेरिंग। हाँ और फिर पॉसिबल ग्राफ्स ऑप्शंस के हिसाब से चूज करने थे। पॉसिबल साथ राइट रे कैसे फॉलो करें, एक बेंड हो रहा है। हमारा अप्रोच क्या होगा, छोटे छोटे स्लैब्स बनाते जाना है ना, छोटे छोटे स्लैब्स बनाते जाना है।
टेंथ का ए आपका, ए ऑप्शन में म्यू क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से डायरेक्शन में वेरी करते जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। तो हम कैसे स्लैब्स लेंगे, ऐसे वाले स्लैब्स लेंगे एक्स डायरेक्शन में वेरी करते हुए, एक डायरेक्शन में कैसे सर, वाई डायरेक्शन में, अरे एक्स वेरिएबल है ना। ओके यहां पे तो एक्स दिख रहा है मुझे, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है ना। ओके सर, एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल ये ऐसा आ गया। अब जो है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में कैसा, और हां और भाई ये तो स्लैब्स हो गए, यहां पर इंटरफेसेस कौन से होंगे, इंटरफेस कौन से होंगे यार, ये सब इंटरफेस होंगे ना, क्योंकि यहाँ का म्यू, यहाँ का म्यू सब अलग अलग है, तो दिस विल बी एक एक इंटरफेस ही होगा, ऐसे से इंटरफेस होते जाएंगे। अगर ये इंटरफेस हो गया तो विच विल बी नॉर्मल सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस गाइस, नॉर्मल किधर होगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, इंटरफेस गाइस, हेलो फिर से मैं एक मिनट जाओ, मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, एक मिनट, हाँ आई विल लॉग इन एंड लॉग आउट, वॉइस क्यों ब्रेक हो रहा है। हेलो गाइस, हां आई एम नाउ एबल टू, हेलो सर गाइस, हां देखो अब जो है न्यू एक्स पे वेरी कर रहा है, ये तो हो गया भाई, अब जो है हां, सो दिस इज योर स्लैब्स, नॉर्मल कौन सा होगा, नॉर्मल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा। अब लाइट रे जो है यहां सेंटर करेंगे, यहां से, और हमारे पास कांसेप्ट क्या है, न्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे म्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो साइन थीटा डिक्रीज होगा, साइन थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल। तो अब जो है आपके पास पॉसिबिलिटीज कैसे हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो जब वो जब मीडियम सेम होता तो सीधे जाता अनडिवेटेड, अब आपके पास पॉसिबिलिटी ऐसा है या ऐसा है, कौन सा वाला होगा, तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा ना, स्लोप कर्व, सॉरी क्यों, हाँ नीचे वाला, नीचे वाला क्यों होगा, बिकॉज़ साइन थीटा इज डिक्रीजिंग, साइन थीटा इज डिक्रीजिंग, हाँ सर, इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे यहाँ पे एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का नॉर्मल, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस नॉर्मल, एक्स एक्सिस इज नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल मस्ट डिक्रीज, सो कर्व जो है ये, सर हम ये बोल सकते हैं क्या म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ जा रहा है, गाइस ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मैच कर जा रहा है क्या, हेलो सर बी ऑप्शन चेक करें क्या, मैं दे रहा सर, कैन यू हियर अस, ठीक है ए ऑप्शन, कैन यू हियर अस गाइस, ये वाला सर, कैन यू हियर अस, हेलो सर, दिस अंडरस्टूड सर, हेलो टाइप कर सर, सुन नहीं सकते हैं,
हाँ ठीक है सर, सर नहीं सुन सकते हमको। मैं करेक्ट था क्या? हेलो सर। हेलो यस गाइस, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होएगा ना? यस ओके सर। म्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा मस्ट डिक्रीज ना? यस सर। हाँ 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 यस 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 ठीक है गाइस फिर नेक्स्ट। हाँ ए ऑप्शन मैच हो रहा है, शैल वी चेक बी ऑप्शन? यस ओके। बी ऑप्शन में क्या है भाई, म्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स का मतलब क्या है? अब उल्टा हो गया ना, अब उल्टा हो गया है, उल्टा ग्राफ रहेगा, बी रॉन्ग हो गया है। फिर सी ऑप्शन चेक करें सर, ए को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो बाकी सब ऑप्शन अपने आप ही नहीं, वाई भी तो है, वाई का चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है वाई चेक। हाँ हाँ वाई ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या दिया, म्यू इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अब स्लैब्स कैसे हमें बताओ, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल किधर होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ओके पैरेलल नॉर्मल ऐसा होगा। अब जो है ये एंगल जो भी है म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, दो पॉसिबिलिटीज, रे ऐसे जाने की, सीधे जा सकता है, सीधा तो नहीं होगा बिकॉज म्यू चेंज हो रहा है, ऐसा या ऐसा? हां कौन सा, म्यू बढ़ते जा रहा है ऊपर तो म्यू बढ़ रहा है तो थीटा कम होएगा, थीटा नॉर्मल के साथ कम होना चाहिए, कौन सा? तो नीचे वाला ग्राफ, नीचे वाला कर्व, इसमें तो एंगल बढ़ रहा है भाई, हां ये वाला कर्व ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब डी ऑप्शन कैसे चेक होगा? अरे डी तो पाई, बी तो वाई स्क्वायर है ना, वो भी बढ़ ही रहा है ना, तो उसमें भी ऐसे होना चाहिए ना? यस सर। एक बार वापस बता सकते हो सी ऑप्शन? अरे सी ऑप्शन में देखो ना भाई, वाई के साथ साथ म्यू बढ़ रहा है, तो म्यू बढ़, यस सर, म्यू इज इंक्रीजिंग, थीटा ये मस्ट डिक्रीज, थीटा मस्ट डिक्रीज, यस थीटा कम होना चाहिए ना यार, तो थीटा वाई एक्सिस इधर बढ़ रहा है, हां वाई एक्सिस साथ कम होना चाहिए नॉर्मल के साथ। अच्छा तो सर x और y बस ऐसे ही वेरिएबल्स है रैंडम, x और y ऐसे एक्सिस या प्लेन नहीं बता रहा है ना? x मतलब x कोऑर्डिनेट ना यार। अच्छा ओके, मुझे लगा ऐसे ही वेरिएबल है बस वो। हां ना कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y के साथ ना, वो तो कोऑर्डिनेट है ना। ओके सर ठीक है। हां नेक्स्ट डाउट गाइस, जो आपने जे क्वेश्चन दिया था ना 1999 सर, 16 नहीं 16 नहीं, इसी में एक पूछना था, वो पूछू क्या? हां क्या था? हां सर वो डी ऑप्शन में y स्क्वायर है तो उसके वजह से स्लोप बदलेगा ना सी और डी में? अरे सी में क्या होगा, y स्क्वायर है तो अगेन जो है म्यू बढ़ता रहेगा। हां वही सर, पर जो लाइट रे का ट्रैजेक्टरी है उसका वो स्लोप जो है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ तो उस केस में ट्रेंड तो ऐसा ही वाला ग्राफ होना चाहिए था ना, ऐसे वाला ग्राफ। तब वो समझा मैं, ये ट्रैजेक्टरी का बात कर रहा हूँ जो पाथ फॉलो करे लाइट रे, उसका स्लोप। हाँ सीएनडी में डिफरेंट, सीएनडी में ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा लेकिन स्लोप्स अलग होंगे, एग्री? हाँ सर वही सर, वही पूछना था, थैंक यू सर। अरे वो एक एचसी वर्मा सर का मैंने वीडियो भेजा था, मतलब यूट्यूब में बोला था, किसने देखा क्या वाला? हाँ सर देखा, यस सर एक्सपेरिमेंट भी देखा, सॉल्ट का उन्होंने करके जो ग्रेडिएंट डेवलप किया था। हां सर यस सर, उल्टा किया था उन्होंने। हां उल्टा किया था, क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर-ऊपर जाते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी कम होते जा रहा था ना। यस सर। हां सर सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 वाला। हां सर 13 में क्या दिया भाई, सब वेरिएबल ही है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसमें म्यू कैसे वेरी कर रहा है बताओ? 1 + y / y / h, y / h
और निकालना क्या है यहाँ? वो वेसल का डेप्थ एच है और एपरेंट डेप्थ चाहिए। एपरेंट डेप्थ चाहिए। अब ये बताओ कि मतलब यू मेरी कर रहा है। अब ये बताओ कि अगर मान लो ये फाइनाइट थिकनेस के स्लैब्स होते हैं तो इसमें एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं एपरेंट डेप्थ? सिग्मा एच बाय अब यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस पैटर्न में कैसे करोगे यहाँ पर? अब ये समेशन साइन किसने चेंज जाएगा? इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे जो फाइनाइट स्लैब्स लिए थे डिस्क्रीट वैल्यूज के, अब क्या करोगे? छोटे छोटे स्लैब्स लोगे डी बाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉन। अरे इसका इंटीग्रेशन बताओ। लॉन x प्लस बी। अब यहाँ पर a क्या है? नहीं, this is b। इन a क्या? a कितना हो गया? 1 by h। ln of ax plus b divide by a होगा ना coefficient of x। yes sir। yes yes। और ये कितना हो जाएगा? ln of 1 plus y by h divided by coefficient of y 1 by h। 1 by h। और y का variance क्या है? 0 से h। ना ये 0 पे तो गया, 0 पे तो 1 log 1 0 हो जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, तो h ln 2 हो जाएगा। सर वो इंटीग्रेशन मतलब अपने समीकरण को इंटीग्रेशन क्यों किया वो नहीं समझा सर। अरे ये बताओ कि ये कैसे आया था? सर वो आपने वो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो अपन यहाँ पे भी क्या सोचेंगे? कई सारे छोटे छोटे डीवाई वेक्टर, कई सारे स्लैब्स हैं। यस सर। तो सबका समेशन करेंगे ना भाई, एच आई बाई म्यू आई सबका करेंगे, तो यहाँ समेशन साइन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। अच्छा इधर वेरिएबल है इसलिए म्यू वेरिएबल है इसलिए। यस हाँ, म्यू वेरिएबल है इसलिए जो है आप समेशन को कीजिएगा, समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज को क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस कर दोगे। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। और कोई गाइस? सर 15 वाला सर थोड़ा इजी है पर सर नहीं हुआ मेरे से, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो? मतलब मैंने ट्राई किया 15 वाला, मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। 12 वाला, मेरा वाला शिवांश, 15 वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो मुझे। सर हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड टू द ऑब्जर्वर व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, एक मिनट सिद्धांश, मैं इसको इरेज ये हटा देता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिद्धांश ये वाला जो है, इज दिस ग्लास हाफ फिल्ड? No, sir. नहीं, जैसे मान लो दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो इज दिस ग्लास हाफ फिल्ड? नो। क्यों? समय मेरा मेजर बताओ। नहीं रुको तो सही, जीवन बाय दिस इज नॉट हाफ फिल्ड बाय लाइक ऑब्जर्वेशन। तो आपने किस किस क्वांटिटीज को कंपेयर किया? जैसे ये 20 है, so did you our eyes height are not water. Correct, huh? Dekho, abhi jo, if this is given as 20, our eyes doesn't have wo instruments ki hum is water ka reading read kar le, hai na? Just we can do comparisons, right? Isko kisko compare karoge aap? Isko aur isko compare karoge, so yes. If this is equal to this, you will not see this value. Aap isko dekhoge nahi, aap bologe
अगर ये और ये इक्वल है देन हाफ फील्ड है राइट यस सर चलो ठीक है अब इसी बेसिस पे अब आपको क्या देखना चाहिए जो है हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर है अब इसमें मान लो से पानी भरा से x तक ना तो और आप यहाँ से जैसे जैसे अभी जो यू आर सेइंग फ्रॉम साइड वाइज अभी क्या करोगे आप ऊपर से देखो तो yes, आप कंपेयर किसको करोगे एयर का स्पेस और पानी का राइट तो अब एयर का तो आपको इतना ही पूरा दिखाई देगा कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा तो एयर का आपको 21 माइनस एक्स का डेप्थ दिखाई देगा और पानी का डेप्थ क्या आपको एक्स दिखाई देगा नो सर कितना दिखाई देगा बाय म्यू ये कैसे आया एक्स बाय म्यू वाला फॉर्मूला से ना हां हां सर वो समझा दिस टू मस्ट बी इक्वल अब ये बताओ इसकी म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 है क्या हां सर तो ये कितना हो जाएगा 7x/4 इज 21 एक सेकंड सर वो आपने वो इक्वेट कैसे किया 21 माइनस एक्स और वो हाफ है ना अब ये बताओ कि आपने ये कैसे बताया कि हाफ फील्ड देंगे सर एक सेकंड वो x बाय म्यू तो समझा वो एपरेंट डेप्थ है पर वो 20 नहीं आप हाफ फील्ड है कि नहीं है कंपेयर करने के लिए आप क्या बोलोगे ये वाला और आपको ये इक्वल दिखाई देना चाहिए यस सर Similarly, you will say okay, okay, ठीक है sir, okay, got it sir, sorry. Thank you sir. Sir, इतने mu one क्या आएगा one आएगा ना? इसमें rays कहाँ से कहाँ जा रही हैं? इसका image देख रहे हो bottom पर? तो rays जो हैं कहाँ से water से air में जा रही हैं? अरे हाँ यार sorry yes sir yes. ठीक है ना? एक बार आप हाँ वो JE का क्वेश्चन था ना 20 वाला 20th क्वेश्चन JE का हां वो जो क्या था सर एक बार वो 12th का आइडिया बता ना 12th का आइडिया सिर्फ मतलब बाद में मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरा मालूम नहीं क्यों मान हर टाइम आंसर गलत आ रहा है चलो ठीक है ये वाला कह रहे हैं रेस वेट सर 1 मिनट सर ये सर स्क्रीनशॉट टेकन डाल लिया यस ठीक है फिर जो है 12th वाले के लिए 12th वाले में जो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर इन एयर ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर तो ये ऐसा है दिस इज द मिरर और ये कहाँ चला गया यहाँ और इसका आधा L ओके L L है ये वाला ऐसा ये ऐसा इधर ऐसा दिस इज़ द मिरर इसमें L लेंथ ये है नहीं दिस इज़ 2L सॉरी दिस इज़ 2L वाला L है वाला L रॉड का आधा पार्ट तो रॉड का ये वाला P और ये वाला Q ठीक है ये बंदा देख रहा है उसको तो ये बंदा देख रहा है तो अभी इसको कौन सा रिफ्लेक्शन वाला बताना है ना गाइस राइट यस सर रिफ्लेक्शन वाला तो पहले क्यू का इमेज बनाएंगे क्यू का तो रेस कौन सी वाली लेनी है ये वाली इसमें भी पी की डायरेक्ट नहीं ऐसे वाली लेना अंदर जाने पहले इसका बनाएंगे तो पहले बताओ क्यू का इमेज कहाँ बनेगा क्यू का इमेज पहले यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्यू के लिए कितना इमेज आएगा सर क्यू वाली ऊपर से क्यों नहीं आएगी सर इसमें तो रिफ्लेक्टेड इन द मिरर है ना क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ सेकंड इवन रिफ्लेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं ना नहीं नहीं व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर मिरर में रिफ्लेक्शन वाला लेना है नीचे वाले अच्छा मतलब एक बार अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो वो ऊपर के ऊपर जाएगी और फिर मिरर मिरर के इधर लाइट रेस नहीं आएगी इसलिए ना यस 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 मिरर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा भाई ओके ठीक है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर मिरर में देखना है चलो ठीक है तो ये वाला एल है तो उसका नीचे एल बनेगा यस
ओपी का फॉर्मूला से करना। हाँ सर, तो अभी कर लूंगा मैं, क्योंकि अभी कर लूंगा, क्यों इतना ही चाहिए था, क्योंकि मैं ना वो पहले रिफ्रैक्शन करवा रहा था। सिर्फ यही कर लेना है, फिश याद है, फिश वाला सम। हाँ सर, हाँ सर, सर यस, थैंक यू सर। ओके और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 18.4 पे करा दो। 18 पॉइंट कौन सा? 4। क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बताना? टू प्लेन मिरर्स है, हाँ, पैरेलल है, जिसका साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में, हाँ, और लेफ्ट साइड के जो 7 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से। अरे भाई ये रिफ्लेक्शन, ये जो है अब इसको पेनिट्रेट करके थोड़ा ना जाएगा। यस सर, इमेज बस एक इमेज बनेगा यार सर, बस हो गया। जो इमेज बना इसका दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा? अरे देखो ये वाली रेस निकली ना यार, ये रेस निकली और यहीं से टकरा के लौट गई ना। यस सर, तो इसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा। यस सर, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वो 20 वाला, 20 वाला 90 क्या है? वो 90 क्या, 20 क्या था? 20 कौन सा? 20 वाला फिर से बताना, क्या क्वेश्चन था? So the xy plane is the boundary between two transparent media. वो जो जेई वाला क्वेश्चन हुआ ना? हाँ सर, 99 10 मार्क्स। 99। अरे बाबा ये अच्छा क्वेश्चन है यार। इंसिडेंट रे का यहाँ पर ये बताओ कि इंटरफेस कौन सा है? xy plane। xy plane। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। जी 99 सर, Z-axis normal। अब देखो गाइस, हमें जो है वेक्टर को ब्रेक करना है, तो वेक्टर को ब्रेक करेंगे ना तो कैसे ब्रेक करते हैं? एक तो जो है हमें किसके अलोंग ब्रेक करेंगे, एक जेड एक्सिस, और दूसरा किधर ब्रेक करोगे? एक्स वाई प्लेन में। यस यस, ओके, दूसरा एक्स वाई प्लेन में ब्रेक करेंगे। अब जो है दूसरा एक्स वाई प्लेन में ब्रेक करो, चलो ठीक है। अब ये वाला जेड एक्सिस है। अब ये बताओ कि जो इंसिडेंट रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सर सर फॉर जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंडेक्स इज 2 √2 हां, और जेड लेस देन 0 √3। अब वेक्टर क्या है? रे वाला इंसिडेंट रे का वेक्टर क्या दिया था? 6 √3 आई कैप। कितना? 6 √3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप। चलो ठीक है, अब रे को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक जो है हाँ, अब ये बताओ इस वेक्टर का मॉड क्या होगा? ट्वेंटी इस वेक्टर का मॉड 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है यार, ये 30 दिख रहा है ना, 30 20 है ना? ट्वेंटी है। अब सर डायरेक्शन कैसे बता लेगा? देखो अब डायरेक्शन तो ये 3D में थोड़ा अपन ध्यान कैलकुलेट करते हैं ना। अब मुझे हमारा इंटरेस्ट जिसमें है उसी को पकड़ेंगे भाई। हमारा इंटरेस्ट है स्नेल्स लॉ के लिए। स्नेल्स लॉ में एंगल किसके साथ चाहिए भाई? आपने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन वाला? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? हाँ सर, मैंने भी वही लगाया, वो एंगल मेड बाय जेड कॉस ऑफ एंगल मेड बाय जेड एक्सिस इज इक्वल टू जेड
अपॉन मैग्नीट्यूड 20 हाँ 60 आएगा 60 डिग्रीज रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 किसके साथ जेड के साथ जेड एक्सिस के तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा 30 डिग्री इसमें किसी को डाउट नो सर नो नो 20 को ब्रेक करते हैं अब स्नेल्स को लगाते हैं स्नेल्स को रूट 2 इनटू साइन इतना है एंगल कहां गया 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 इनटू साइन आर की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 आर 45 चल 45 इधर मेरे को भी अब एक मिनट अब जो है जैसे हमने ये जो है भाई नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है यार हाँ नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है अब ये वाला हमने दो है ना हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि ये सब एक ही प्लेन में थर्ड स्टेटमेंट जो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में है फर्स्ट क्या था स्नेल्स लॉ सेकंड कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल लॉ लाइक द सेम प्लेन यस सर यस सर अब यहाँ से ये जेड एक्सिस हो गया मेरे वाला आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल कितना आया 45 डिग्री आया यस सर यस 45 डिग्री आ गया तो अब ये 45 डिग्री का आ गया ना अब जो है एक्स वाई प्लेन में कोई चेंजेस आएंगे नहीं अब देखो एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन में एंगल कितना है यार 30 एक्स वाई प्लेन में एंगल 30 डिग्री अब मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं ये वाला एक्स इसको वाई बोल देते हैं XY प्लेन के प्रोजेक्शंस क्या हैं 6√3 और 8√3 यस सर यस सर XY प्लेन के ये एंगल्स कितने होंगे 37 डिग्री होंगे यस यहां तक किसको डाउट है सर वेट फॉर अ सेकंड ना सर हां सर 53 नहीं होगा वो 50 होएगा ना देखो यहाँ से चालू करते हैं मेन वेक्टर कितना 20 का ना यस यस 20 का कॉस 60 कितना होगा 10 यस And 20 का sin 60 will be how much? 10 root 3 आएगा XY plane में Yes sir. So कैसे? शिवांस बताओ कैसे आया? उसके components निकाल लिए XY और Z में. नहीं पहले जो है अगर जैसे Z में आया main vector 20 का cos 60 आएगा 10 yes 20 का sin 60 आएगा 10√3 हाँ yes अब ये z वाला इसको भूल जाओ अब इस पे ध्यान देते हैं आप ये क्या है 10√3 के कंपोनेंट्स है हाँ 10√3 कंपोनेंट्स कैसे आए 10√3 cos 53 10√3 sin 53 हाँ हाँ अरे ये है ना भाई 10√3 का और ये वाला क्या है 10√3 का साइन 53 यार ये समझ में आया क्या यस तो देखो कैसे किया मेन वेक्टर का पहले जेड के लॉन्ग निकाला मेन वेक्टर हाँ यस ओके जेड के लॉन्ग कैसे आया कंपोनेंट 20 cos 60 और फिर एक्स वाई के लिए कैसे निकाला एक्स वाई वाला आएगा 10√3 फिर उसको ब्रेक किया 10√3 cos 53 10√3 sin 53 यस सर यस सर
ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो सर अब ऐसा वो नए वाले के लिए करेंगे। हाँ नए वाले के लिए। अब देखो, अब फॉर न्यू रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर, पहले जेड कंपोनेंट कितना यूनिट निकालना है, वन ले लो। वन क्या हो जाएगा? कॉस 45। कॉस 45 यस। नेगेटिव है, नेगेटिव मैं तो नहीं क्या डाल रहा। एक्स वाई भी क्या होगा? वन कॉस 45 होगा। हाँ उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे एक्स एंड वाई। सर एक्स वाला क्या होगा? कॉस 53 यस। ऐसा आएगा? हाँ हाँ यस। सर एक थोड़ा वेक्टर, गाइस आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा नहीं है, इसमें थोड़ा टफ जाएगा लेकिन ट्राई करूँ। हाँ हाँ सर, पहले इंसिडेंट रे इज अलोंग द वो उसके लिए माइनस के कैप आया था ना, तो अभी एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद पॉजिटिव के कैप आना चाहिए ना। अरे भाई नीचे में जा रहा है ना यार, देखो एक माइनस के कैप क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव जेड के लॉन्ग, बाद में भी रे भी तो इधर ही जाएगा ना, नीचे ही जाएगा। हाँ अरे ओ यस यस सर, तो वो हमने वो एक प्लेन की वजह से वो cos 53 sin 53 वापस इसमें यूज कर लिया। हाँ ओके वैसे ही होता है ना। अरे जैसे जैसे मिलिट्री में है ना, सपोज आपको कहीं एनिमी का टैंक है तो पहले आपको बताया जाता है कि हाँ भाई कितने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल घुमाओ ना, तो उसका प्लेन सेटअप किया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि हाँ आपने टैंक को इतने एंगल पे उठाओ, वही कर लिया ना हमने। yes, तो आपने क्या yes. किया? सर कैन यू वेट फॉर 2 seconds, वी विल एनालाइज एंड प्लीज। डाउट्स नहीं ले रहे ना अभी? अब ठीक है, अब मैं भी थक गया। हाँ भाई ठीक है, सर लीव कर सकते हैं ना? हाँ हाँ प्लीज। ओके थैंक यू गाइस, जो हाँ जो स्क्रीनशॉट ले रहा था प्लीज पोस्ट कर देना, और थोड़ा इसका नीट कोई बना सकता है, कोई हेल्प मांगे तो प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। हाँ कोई भी पूछ रहा है तो, आप लोग का हो गया है तो किसी को चाहिए होगा तो प्लीज उसको शेयर कर लेना। हाँ ये आप लोगों ने सॉल्यूशन मुझे लास्ट में नहीं समझा, आपने लिखा था ना न्यू रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर के नीचे वाला। हाँ नहीं ये समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ समझ आया सर। नहीं नहीं रुको, ये कैसे निकाला था? ये एक्स वाई जेड फिर एक्स वाई प्लेन का ये आया था 20 sin 60 मतलब 10√3। तो 20 cos 60 20 sin 60 वैसे 1 cos 45 1 sin 45 फिर उसका भी cos 53 और sin। सर आपको वो रिफ्रैक्टेड में 53 कैसे आया? वो ये वाला एंगल 53 कैसे आया? नहीं 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 रिफ्रैक्टेड में वो समझा। अरे एक्स वाई प्लेन का एंगल काहे चेंज होगा? बस एंगल किसके साथ चेंज होगा? आपके साथ, आपके जेड के साथ ही चेंज होगा ना। एक्स वाई वाला कंपोनेंट तो वैसे का वैसे रहेगा ना। अरे जब ये ऐसा रे आ रहा है ऐसा है, ये डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगा ना, सिर्फ बेंडिंग तो इधर वाली होगी ना, ये वाला कंपोनेंट वैसे ही रहेगा, बिकॉज़ एज पर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन they must lie in one plane. अरे incident ray, normal and refracted ray, they lie in a one plane, na? Okay, okay, sir. Right? आया क्या गाइस बोला? हाँ सर। ओके ठीक है ठीक है, अभी तो अभी एक्स्ट्रा सम्स के हो गए ना, अभी और कुछ तो नहीं है ना, सब कंप्लीट ना सर? वो एक 18.1 है उसमें ना सर, मेरे को सिर्फ ये पूछने का है कि एक ना सर। हाँ सर 18.1 हाँ। में मेरे को ये पूछने का है कि मेरा आंसर आ रहा है इन्वर्टेड, पर आंसर आपने दिया है रियल, तो मतलब एक्चुअली मैं एक बार फिर से सोचने के बाद मुझे दोनों इन्वर्टेड आ रहे हैं ना सर, तो, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा ही ना। हाँ सर, तो 1, 2 दोनों आंसर आने चाहिए ना। ओके दो आंसर्स आ रहे हैं क्या यार?
क्वेश्चन क्या है भाई बताओ सर, बेसिकली रियल आंसर है और इन्वर्टेड भी एक ऑप्शन है। हाँ सर, क्वेश्चन है इरेज कर दो उसको। हाँ, रब करो रब करो, इरेज कर दो ना। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ, एक क्वेश्चन बताओ क्या क्या है। Sir, the distance of an object from the pole of a concave mirror is equal to the radius of curvature. The image must be. Okay, मतलब बिल्कुल को एक जो है 18.1 distance is equal to what? मतलब ये कैसा object है भाई? Distance of an object is equal to radius of curvature from concave mirror. तो ये बताओ कि object is real or virtual? ये ऐसे कुछ नहीं थे, मतलब हम लोग really assume करेंगे ना सर। अरे ये कैसे होगा, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो इसके लिए कैसा आएगा? इसके लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या जाएगा, 1/v + 1/u is 1/r। सेकंड केस होएगा ही कैसे, क्योंकि सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज फेसिंग द बैक ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके ओके। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बनाता है, रियल बनाता है ना। हाँ अच्छा, ओके ओके। हाँ तो इधर मतलब दोनों के कंसीडर है, वो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन देखना है इसमें। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को f / क्या होता है, f - u, f इज - r/2 - r/2 - और ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज प्लस आर, ये क्या हो गया यार, ये वाला -3r/2 हां, तो ये वाला जो है प्लस 1 ना, प्लस 1/3 आया ना यार, ग्रेट आया ना यहां पर। हां जो ओके सर, यस सर, समझा समझा, गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, और तो और बाकी अब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट है सर। तो फिर आंसर रियल कैसे है? अरे मतलब आंसर रियल कैसे, ओके रुको रुको। हां ये डिस्कस किया था ना, कॉनकेव मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स रियल इमेज, इससे भी आएगा रुको। ओके ओके सर, समझ गया सर, सॉरी मैं भूल गया था। f इज r / 2, इससे सॉल्व करोगे? हां हां सर, समझ गया सर। ठीक है गाइस, ठीक है फिर आज इतना ही करें, और तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, सारा होमवर्क हो गया। सारा हो गया। हाँ गाइस, कोई अगर कि कोई ग्रुप पे रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज, हाँ आपके पास है सॉल्व तो थोड़ा सा इमेजेस वगैरह भेज देना, वो भी हेल्प हो जाएगा सर आपको। वो और 18.6 और 18.9 का वो फुल क्वेश्चन भेजने का है। 18.6 और 9 ना? हाँ ठीक है। और टेस्ट मैं कब, संडे तक भेज दूं ना? कौन सा टेस्ट सर? DN4 ना? हाँ यूजफुल है कि नहीं है जो क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है यूजफुल है ना बोले? हाँ सर। तो एक टेस्ट रखने वाले हो आप? मतलब टेस्ट मींस ऐसे ही छोटे छोटे, और अलग से नहीं दूंगा, यही वाला टेस्ट ऐसे देते जाऊंगा सर। मतलब टीडब्ल्यूटी आप नहीं रखने वाले जैसे कि बाकी के रहते, आप जो बोल रहे थे उस दिन उसको नहीं रखते हैं। चलो ऐसे मैं क्लास टेस्ट करते जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, चलेगा। रादर देन टेकिंग वन टेस्ट, ऐसे मैं क्लास टेस्ट टोटल 6-7 ले लूंगा पूरे ऑप्टिक्स तक, तो 6-7 ले लूंगा, तो इससे ज्यादा होगा, इससे कम से कम अराउंड 150-160 अलग से देखूंगा। ओके ओके सर, चलेगा। ईच टेस्ट विल बी ऑफ 20, किसी में 30 डाल दूंगा सर। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं टेस्ट में टाइम लिमिट कम पड़ रहा है, मतलब मुझे तो दोनों टेस्ट मिले उसमें एक दो क्वेश्चन मेरे टाइम लिमिट की वजह से छूट गए। हां तो आपको वो टाइम वही तो मैनेज करना है, टफ क्वेश्चंस के पीछे पढ़ना ही नहीं है, छोड़ना है, नेक्स्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो आपको वहां देखना है कौन सा टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा, कौन सा मेरा कैलकुलेशन टाइम वेस्ट कर रहा है। बढ़ो, वही तो अप्रोच है कि ऐसा होना चाहिए कि पेपर पूरा ग्लांस करके जो है, मतलब 10-15 मतलब 15-20% पेपर बिना पेन उठाए सॉल्व होना चाहिए। आई मीन इन द रियल एग्जाम्स, ऑप्शंस एलिमिनेशन, जल्दी से स्मार्टली ट्रिक करना, क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है, ऐसा जिसमें थोड़े छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले सॉल्व्स पहले,
ऐसा नहीं कि 9th 10th में जैसे आप चालू करते थे, हाँ पूरा स्टार्टिंग से चालू किया आखिरी तक खत्म किया, 3 घंटे में पेपर 95% मार्क्स, लो यहाँ पे अप्रोच बदल जाएगा अपना। हाँ सर। हाँ ओके सर, ठीक है सर। तो बाद में वाले के भी मार्क्स आपको ये करने का है, मैसेज करने का है मार्क्स? हाँ हाँ, मतलब ग्रुप में डालोगे तो बाकी सबके लिए भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ वाला बाकी लोग भी देंगे ना, तुम ऐसे कई लोग मेरे को इंडिविजुअली भेज चुके हैं तो उससे काफी लोग दे नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या होगा अगर मान लो ग्रुप में डालोगे तो क्या होगा, दूसरे आपको देख के दूसरे लोग भी तो मोटिवेट हो जाएंगे। ओके सर। सर तो अभी सर जो अभी टेस्ट के जो डाउट्स है वो आप नेक्स्ट डाउट लेक्चर में रहोगे ना? टेस्ट के डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर। हां नेक्स्ट लेक्चर सबको अटेम्प्ट कर लेंगे लोग। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।